नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नया। भट्ट परिवार के बाद अजय देवगन पर भड़की कंगना की बहन। आखिर कंगना की बहन को अजय देवगन पर क्यों आया गुस्सा? क्यों ट्विटर पर लगाई कंगना की बहन ने अजय देवगन की क्लास? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल अजय देवगन, तब्बू, रकुलप्रीत, स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे में मीटू के आरोपी आलोक नाथ की मौजूदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तनुश्री दत्ता और राइटर विंता नंदा अजय देवगन की फिल्म में आलोक नाथ की कास्टिंग से नाराज हैं। बहरहाल अब इस फहरिस्त में कंगना की बहन रंगोली चंदेल भी शामिल हो गई है। रंगोली ने अजय देवगन पर यौन उत्पीड़न के आरोपी आलोक नाथ संग काम करने पर जमकर क्लास लगाई है। रंगोली ने बकायदा ट्वीट भी किया है। रंगोली ने तनुश्री दत्ता के ओपन लेटर को साझा करते हुए ट्वीट किया। रंगोली ने लिखा, इन पुरुषों की वजह से हमारा देश दुनिया के नक्शेकदम पर एक काला धब्बा है। जहाँ तक महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात है तो बॉलीवुड मुझे आप पर मीटू अभियान का मजाक उड़ाने के लिए शर्माती है। वहीं इसके बाद रंगोली ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, ये लोग सत्ता और पैसे के नशे में चूर हैं। वो अपने को-स्टार उत्पीड़कों का समर्थन कर इस आंदोलन और पीड़िताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, साथ ही बेशर्मी के साथ अपने काम का बचाव कर रहे हैं। वो सभी जो एक मुद्दे पर चुप रहकर मजे ले रहे हैं, क्योंकि ये किसी की बेटी के साथ हो रहा है। वो ये जान ले कि दुनिया गोल है, सब कुछ घूम कर वापस आता है। आपको बता दें कि इससे पहले तनुश्री दत्ता ने भी अजय देवगन और फिल्म दे दे प्यार दे के मेकर्स की जमकर क्लास लगाई है। ओपन लेटर में तनुश्री दत्ता ने लिखा, सिनेमा जगत झूठों, शो ऑफ करने वालों और पाखंडियों से भरा है। आलोक नाथ पर गंभीर आरोप लगने के बाद फिल्म में आलोक नाथ से सीन्स को दोबारा से रीशूट करवाया जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने रेपिस्ट आलोक नाथ को फिल्म का हिस्सा बनाए रखा। तनुश्री दत्ता के मुताबिक दे दे प्यार दे के ट्रेलर और पोस्टर सामने न आने तक किसी को पता नहीं था कि फिल्म में आलोक नाथ भी हैं। ऐसे में अजय देवगन और मेकर्स चाहते तो चुपचाप से आलोक नाथ को रिप्लेस कर सकते थे, उनके सीन्स को रीशूट कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ आलोक नाथ पर रेप का आरोप लगाने वाली राइटर विंता नंदा ने भी बॉलीवुड के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। एक इंटरव्यू में विंता ने कहा है कि उन्हें अजय देवगन और मेकर्स से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको बता दें कि फिल्म दे दे प्यार दे में आलोक नाथ की कास्टिंग पर अजय देवगन पहले ही बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आलोक नाथ संग फिल्म की शूटिंग उन पर मीटू के आरोप लगने से पहले ही हो चुकी थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आलोक नाथ को फिल्म में लेने का मसला और कितना गर्म होता है। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।